नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। चक्रधरपुर शहर के वार्ड संख्या 10 में आज सुबह एक चप्पल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। खपराल के घर में आसपास के लोगों द्वारा चप्पल एवं कपड़े का गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। गोदाम में रबड़ के चप्पल एवं कपड़े होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए अपने घरों के छत के ऊपर से पानी डालते रहे, लेकिन आग तब तक काफी विकराल रूप ले चुका था। मौके पर अग्निशमन वाहन को बुलाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आसपास के सारे घर पक्के के थे, अन्यथा जान माल का और भी अधिक नुकसान हो सकता था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चक्रधरपुर के कमलदेव गिरी हत्याकांड की निंदा करते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग को जायज ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा है। बुधवार को कमलदेव गिरी के परिवार से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चक्रधरपुर पहुंचे हुए थे। लौटने के क्रम में चैबासा में उन्होंने पत्रकारों से बात की। कहा कि पत्रकार, जज, व्यापारी सहित पूरे राज्य के लोग भयाक्रांत हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ अनाचार हो रहा है। लगता है राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। रघुवर दास ने कहा कि कमलदेव गिरी के परिवार के लोगों ने जो कुछ बताया है उससे समझा जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत राजनीतिक हत्या की गई है। इसमें सत्ता में बैठे झामुमो के बड़े नेताओं का भी हाथ है। सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि करीब 1.5 साल से कमल देव को धमकी मिल रही थी। 15 दिन पहले भी धमकी दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन मौन रहा। घटना के 3 दिन बाद भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे आरोप को बल मिलता है। कोलान का एक उभरता हुआ श्री कमलदेव गिरी कि जिस प्रकार निर्मम हत्या, जघन्य हत्या हुई, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी शब्दों में निंदा कर रही है। और जिस तरह उसके परिवार ने जो सारी बातें बताई, उससे निश्चित रूप से लगता है कि एक सोची साजिश रणनीति के तहत ये राजनीतिक हत्या है। और उस राजनीतिक हत्या में सत्ता में बैठे लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेताओं का साजिशकर्ता के रूप में उसका नाम आ रहा और सारी जनता ये बात कह रही है। जिस तरह उसके पिताजी ने, उसके भाई, उसकी माँ, जिस तरह उसकी बहन ने आप बीती बताई, तो मुझे भी रोना आ गया। क्या सही मामले में हम अपने राज्य में, क्या आतंक के साय में हम जी रहे हैं? श्री कमलदेव गिरी जी को विगत 1-1.5 साल से, जैसे परिवार के लोगों ने बताया, उनको हमेशा धमकी दी जा रही थी। और 15 दिन पहले भी उनको एक पत्र के द्वारा धमकी दी गई थी।
कि तुम्हारे किसी न किसी एक परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। श्री कमल देव गिरी ने स्थानीय चकद्दर पुलिस के पुलिस प्रशासन के पास भी गया, धमकी की जानकारी पूर्व में उपायुक्त एसपी के पास बॉडीगार्ड। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल देव के परिवार के साथ है, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा भाजपा लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है, उम्मीद है कि कोई सकारात्मक पहल होगी। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की। जबकि कमलदेव गिरी जिंदा थे, उसके बाद भी उनको मृत घोषित किया गया, ये साबित करता है कि गहरी साजिश और 3 दिन हो गए, एक भी अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़ना, ये जो परिवार के द्वारा लगाया गया जो आरोप है वो सत्य सिद्ध होता है। और आज उसके परिवार ने एक मुझे पत्र भी दिया, उन परिवार का मांग था कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो, क्योंकि इस राजनीतिक हत्या में सत्ता दूर के लोग ही संलग्न हैं। हम सबों ने परिवार को आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चट्टान की तरह श्री गिरी के परिवार के साथ एकजुट खड़ी है, कोई दोषी बख्शा न जाएगा, उन परिवार को न्याय मिलेगा, और जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी। इस संदर्भ में हम माननीय गृह मंत्री जी से भी बात कर पत्र लिखकर जो उनके परिवार के द्वारा फरियाद किया गया है सीबीआई की, ये जानकारी देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार इसे गंभीरतापूर्ण लेते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री से तो कोई उम्मीद है नहीं, फिर भी मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि आप उनके परिवार के फरियाद पर अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा भारत सरकार को करें, ताकि साजिशकर्ता एवं अभियुक्त को सजा मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार अपनी ही काली करतूतों के कारण मुसीबत में पड़ी है। 15 अगस्त को जिस तरह से रांची में विधायकों का जमावड़ा हुआ है उससे बहुत कुछ पता चलता है। सीएम को पता है कि उन्होंने गलत काम किया है और सजा होगी, इसलिए अपनी पत्नी को कैसे सीएम बनाए इसी को लेकर रात में विधायकों को रांची बुला रखा है। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन को कानून का सम्मान करना चाहिए, ईडी जो भी पूछताछ करे सारी बातें उसके समक्ष रखनी चाहिए, लेकिन यह सरकार धमकी देने का काम कर रही है, लालू यादव वाली गलती दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही
आज मुसीबत में पड़ी हुई है। स्वयं मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर का खदान लेना, अपनी पत्नी के नाम पर खदान लेना, अपने प्रेस सलाहकार को खदान देना, अपने विधायक प्रतिनिधि को खदान देना, तो आज जो भी झारखंड में राजनीतिक संकट है उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो माननीय हेमंत सोरेन जी। अपने पाप का बोझ राज की जनता पे ना डाले, जैसी करनी वैसी भरनी। और जिस तरह दो दिन विधायकों का जमवाड़ा लगाए हुए तो मुख्यमंत्री क्योंकि तो गलत काम किए हुए हैं, तो मुख्यमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि मैं गलत काम किया हूँ, मुझे सजा मिलेगी। और विधायकों में जो दो दिन बुलाए हुए हैं तो अपने बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी को कैसे मुख्यमंत्री बनाए इसके लिए विधायकों की बैठक होगी। कानून का सम्मान करना चाहिए और जो भी पूछताछ ईडी करे वहाँ जो भी बातें हैं उनको उनके समक्ष रखनी चाहिए। संविधान के तहत हम सब संविधान से बंधे हुए हैं, नियम कानून से बंधे हुए हैं। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शुभ जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। आज के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।